YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। अब आपको दिखाते हैं हरियाणा के बाकी शहरों में कांग्रेस का विश्वासघात प्रदर्शन के दृश्य दिखाते हैं आपको। यहाँ पर चरखी दादरी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, गुरुग्राम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, रेवाड़ी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और उकलाना की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इन तमाम जगहों पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, हाथों में झंडे लेकर और सरकार के विरुद्ध नारे लगाकर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो चार तस्वीरें आपको हरियाणा की दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है कांग्रेस के द्वारा। और यहां पर कांग्रेस ये कहती हुई नजर आ रही है कि बीजेपी ने विश्वासघात किया है इन चार सालों में, मात्र जितने भी वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए हैं और यहाँ पर मात्र विश्वासघात किया गया है। रेवाड़ी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर पोस्टर जलाए जा रहे हैं बीजेपी के, और उकलाना में भी लगातार सरकार के विरुद्ध नारे लगाए जा रहे हैं। गुरुग्राम की तस्वीर आप देख रहे हैं, चरखी दादरी की तस्वीर आप देख रहे हैं। तो विश्वासघात दिवस हर जगह मनाया जा रहा है। तो जैसे ही मोदी सरकार के केंद्र में चार साल पूरे हुए, कांग्रेस भी सड़कों पर उतर आई और तमाम तरह के मुद्दे लेकर सड़कों पर उतर कर आई है कांग्रेस। और ये कहा जा रहा है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। नरेंद्र मोदी ने पूरे चार साल में सिर्फ महंगाई का तोहफा दिया है जनता को। केंद्र में मोदी सरकार के सहयोगी अकाली दल ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है और पार्टी प्रवक्ता विक्रम मुल्तानी में कहा गया है कि एक तरफ जनता त्राही त्राही कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सरकार अपने चार साल के जश्न मना रही है। उन्होंने बीजेपी के विकास के दावों को खोखला भी बताया है। मौजूदा सरकार की आप सभी के सामने, आप मीडिया कर्म जो कर्मचारी आप सारी दिन में देख रहे हो, आपके सामने सच्चाई है। और सबसे बड़ा इशू जो है, जो बीजेपी गवर्नमेंट ने शुरू में जो एक मूवमेंट लेके चले थे कि हम महंगाई पर कंट्रोल करेंगे, हम स्वास्थ्य की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे, हमारी जो रोज़मर्रा की वस्तुएं हैं जो आम आदमी की ज़रूरत की उसमें हम लगाम लगाएंगे। पहले ये कहते थे कि जो इससे पहले जो हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट थी उसमें हर बार यही मुद्दा था कि महंगाई महंगाई महंगाई, लेकिन अब जो इन्होंने आने के बाद इनके जो चार साल का अगर रिपोर्ट कार्ड देखा जाए तो इन्होंने कहीं भी कुछ ऐसा नहीं कर पाए कि जिससे महंगाई कंट्रोल में आई हो। आम आदमी जो है, महंगाई तो दूर की बात है, उसको जो आम आदमी की जो रोज़मर्रा की वस्तुएँ वो भी अवेलेबल नहीं है।